नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके, नेपाल था केंद्र। दिल्ली से लेकर पंजाब तक ईडी की कार्रवाई तेज, आप विधायक को बीच मीटिंग से उठाया। देश को मिला पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त। गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत। विधानसभा के दोनों सदनों में कल पेश किया जाएगा जाति गणना का रिपोर्ट। अब खबर विस्तार से। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3 दिन में दूसरी बार भूकंप के झटके लगने से लोग सहमे हुए हैं। भूकंप का केंद्र एक बार फिर नेपाल ही था। इससे पहले शुक्रवार रात नेपाल में आए तेज भूकंप की वजह से खूब जान माल का नुकसान हुआ और उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में भी झटके लगे थे। आज शाम 4:16 पर नेपाल में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से भेजे गए समन पर विवाद और गिरफ्तारी की आशंका के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की। दिल्ली विधानसभा में बुलाई गई इस बैठक के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी और सरकार को लेकर कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दिल्ली से लेकर पंजाब तक ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। आज ईडी ने आप विधायक प्रोफेसर जसवंत सिंह को हिरासत में ले लिया। आप विधायक से जालंधर स्थित दफ्तर में ईडी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि विधायक जसवंत सिंह गजन माजरा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे और इसी दौरान ईडी ने उन्हें उठा लिया। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें ईडी के जालंधर ऑफिस लाया गया, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन के खिलाफ पीएफआई की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पहले उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मामले में एक्शन न लेने को लेकर पुलिस को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि उदयनिधि पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना ड्यूटी में लापरवाही है। इन सब के बीच उदयनिधि अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसका सामना करूंगा। देश को आज पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिल गया है। सीनियर ब्यूरोक्रेट हीरालाल सामरिया को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई। इससे पहले यह जिम्मेदारी वाईके सिन्हा संभाल रहे थे। 3 अक्टूबर को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था और तब से यह पद खाली पड़ा था। खास बात यह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी पद पर नियुक्ति के लिए जोर दे चुका है। पंजाब सरकार के 7 बिलों को अटका कर रखने के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी करते हुए गवर्नर से जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि शुक्रवार तक आप बताएं कि सरकार की ओर से दिए गए 7 विधेयकों पर अब तक आपने क्या एक्शन लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि गवर्नरों को सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद ही काम शुरू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और राज्यपालों को अपने विवाद आपसी चर्चा से ही निपटा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां वैधानिक 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद किसी नए ग्राहक को वो नंबर जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उन ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है जो प्रीपेड मोबाइल नंबर अक्सर बदलते रहते हैं। अब उनका नंबर निष्क्रिय या बंद होने के 90 दिनों के बाद सर्विस प्रोवाइडर किसी दूसरे को वो नंबर दे सकते हैं। गुजराती ठग वाले बयान को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तेजस्वी यादव को निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है। दरअसल तेजस्वी यादव अहमदाबाद में सुनवाई नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस केस को अहमदाबाद की मेट्रोपोलियन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी डाली थी। भाकपा माले, सीपीएम, सीपीआई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी ने संयुक्त रूप से फिलिस्तीन में जारी जनसंहार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस मसले पर वाम दलों ने 7 से 10 नवंबर तक देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है। आज बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के बाहर और भीतर लेफ्ट दलों ने विरोध प्रदर्शन किया।
विपक्षी गठबंधन इंडिया में मचे उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि 28 विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार को अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी को खुशी होगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये बातें कही गई है। दरअसल कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने इंडिया की सक्रियता थमने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि कांग्रेस को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी है, विपक्षी मोर्चे को आगे बढ़ाने की उसे चिंता नहीं है। बिहार की जातीय गणना रिपोर्ट कल यानी 7 नवंबर को विधानसभा के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। यह निर्णय दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लंच के बाद इस मुद्दे पर डिबेट की मांग की है, जिस पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार सदन के सदस्यों की राय का संज्ञान लेगी। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज विधानसभा में 26,086 करोड़ रुपए वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। भाकपा माले के सदस्यों द्वारा गाजा पर इजरायली हमले के विरोध में हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए आज शाम बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास 1 पोलो रोड में हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में बीजेपी द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज अबुआ बीर दिशोम अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम रांची के ध्रुवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुआ। इस दौरान मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद थे। योजना के तहत वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। झारखंड में बहुत जल्द वेटनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर वेटनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की पहल की जा रही है। ये बातें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने हेसाग स्थित पशुपालन भवन में आदर्श हॉस्पिटल एवं वीडियो कॉल बेस्ड टेलीमेडिसिन सेंटर के उद्घाटन के दौरान कही। अब बात खेल के मैदान से। बांग्लादेश बनाम श्रीलंका वर्ल्ड कप 2023 के 38वें मुकाबले के दौरान एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जब श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को बिना कोई गेंद खेले टाइम आउट के चलते अंपायर ने आउट करा दिया। दरअसल क्रिकेट के नियमों के अनुसार अगर किसी खिलाड़ी के आउट होने के बाद नया बल्लेबाज अगले 2 मिनट के अंदर क्रीज पर नहीं पहुंचता तो उसे टाइम आउट नियम के चलते आउट दे दिया जाता है। नियमों में तो क्रिकेट फैंस ने टाइम आउट के बारे में पढ़ा है, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में यह घटना पहली बार घटी है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार के अधिकतर शहरों में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पछुआ हवाओं का प्रभाव बनने से यह कमी राज्य के अधिकांश जिलों में देखी जा रही है। झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची समेत राज्य में 8 नवंबर के बाद फिर मौसम बदल सकता है। बादल छा सकते हैं, कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हो सकती है। 10 न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें 10 न्यूज।